हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अब शाम के बजे हैं 6 और मौसम देखो कुछ इस तरह से है, हल्की हल्की बूंदें आई हैं। और वैसे दिन में बहुत गर्मी थी और अंदर तो अभी रुका भी नहीं जा रहा है, लेकिन बाहर मौसम ठंडा हो गया है। लेकिन अब खेतों के लिए तो ये नुकसान है, फिर भी चलो भगवान के आगे किसकी कहाँ चलती है। इतने में ही लीसू आ जाती है पल्ले घर से और इसको खिलाए बिना हम रह नहीं सकते। ये चीजी का डिब्बा हाँ। और आज जो होली के बाद सेरावासा किया जाता है, हम उसी में लगे हुए हैं। अब बज गए हैं 7:30 और मैंने ये बैटर अच्छे से तैयार कर लिया है और इसकी मैंने सारी रेसिपी शॉर्ट वीडियो में डाल चुकी हूँ। अब कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई मैंने ऊपर रखी है लेकिन बाद में मैं नीचे कर लूँगी, खड़े खड़े थक जाते हैं। और थोड़े से चावल भी बना दिए हैं क्योंकि सुबह तो तवा चढ़ना नहीं है हमारे, तो तेल गर्म हो चुका है। अब मैं ये इसमें बैटर डालूँगी और इसको हम ध्यान रहे कि बिल्कुल तेल के किनारे किनारे पे बैटर डालना है ताकि ये आप फिसल फिसल के अंदर चले जाएं। मुझे भी पहले नहीं आते थे और जो हमारी बड़ी दीदी है नंद, उसने मुझे ये पुए बनाने सिखाए और अब इतने नरम और अच्छे बना लेती हूँ मैं कि घर में सभी खा लेते हैं, बड़े बूढ़े। जैसे मम्मी के डाढ़ में दर्द है तो मम्मी भी खा लेगी। और ये इतने रेड रेड लाल लाल नहीं करने हैं ज़्यादा, और इसे हम हल्के हल्के सुनहरे कलर के होंगे तभी बदल देंगे। सुबह ही खाएंगे पूजा होने के बाद। अब इनको ऐसे ही सारे बनने के बाद ऐसे ही ढक के रख देंगे। ये भी एक होली के बाद बच्चों का कोई रस्म रीति रिवाज होती है जो करना पड़ता है। और किस किस के वहाँ होता है, अधिकतर तो सभी के वहाँ होता है, अपने अपने हिसाब से अपने अपने प्रकार से। तो अब लगभग हमारे बनने सारे पुए बनकर हो जाएंगे तैयार। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब बजे हैं सुबह के 7:30 और मेरा मोस्टली सारा काम हो गया है क्योंकि आज हमें तवा नहीं चढ़ाना और सिर्फ मेरा झाड़ू पोछा रह गया है। फिर मम्मी करेगी पूजा और झाड़ू पोछा करने के बाद फिर और बच्चों को भी बोल रही हूँ कि जल्दी नहा ले। फिर
रखा था वो बना नहीं है। अब घर बड़ा कहूँ या आदत बिगड़ गई है खड़े होके पोछा लगाने की, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि बैठ के ही पोछा लगाऊँ। जितने बच्चे अभी खेतों का काम नहीं चलता है, अब मैं चली जाती हूँ नहाने। और ये सूट मैंने पिछली गर्मियों का है, देख रही हूँ कि मुझे फिट आएगा कि नहीं, लेकिन फिट आ गया। और फिर माँ कर लेती है पूजा दोनों बच्चों की। और देखो फ्रेंड्स, सभी के अलग अलग रिवाज है, हमारे तो कुछ इस तरह से ही। बच्चों के बाद मम्मी भी मेरी भी पूजा कर देती है सबकी। और जो ये खाना है इसको कुछ तो कुत्तों के लिए दे आएंगे और कुछ गाय के लिए। अब हम 8:15 बज गए हैं और हमने भी प्लेट लगा ली है। दही में मैंने डाली है शक्कर, सबका अपना अलग अलग टेस्ट है, तो मैं शक्कर डाल के दही में और तब चावलों के साथ खाऊंगी। और इधर चीनी में हो गई हैं चीटी छोटी छोटी, तो अभी मम्मी बोली थी लक्ष्मण रेखा लगा दे, तो मैंने कहा नहीं अभी पहले थोड़ा धूप में रख देते हैं इसको, जब चीटी निकल जाएंगी तो धूप में, तो मैं चारों साइड लक्ष्मण रेखा लगा दूँगी। तो अभी तो इसमें थोड़ी सी चीटी दिख रही। अब शाम को हमने देखा तो इसमें से सारी चीटी निकल गई थी। अब हम इसे अंदर रख के बाकी के सारे 4:30 बजे सिलाई पे उठने के बाद मैंने सारे काम कर लिए हैं। अब बज गए 5:30, तो खाना बनाने में अभी थोड़ा टाइम है, तो मैं कर लेती हूँ सूट कटिंग। और इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं समाप्त, और फिर मिलते हैं नए एक ब्लॉग के साथ। ओके, थैंक यू।